18th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड की शाम शाहिद कपूर और आलिया भट्ट के नाम रही, जिन्होंने ड्रग पर आधारित फिल्म उड़ता पंजाब में अपनी एक्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता। नीरजा को समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। अनिरुद्ध रॉय चौधरी को उनकी फिल्म पिंक के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन का पुरस्कार दिया गया। महिला किरदार केंद्रित इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफ़ी सराहा था। आलिया को उड़ता पंजाब में एक युवा बिहारी प्रवासी लड़की के किरदार में काफ़ी पसंद किया गया था। इसी रोल ने उन्हें ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिलाया। उनके को स्टार शाहिद को नशे की गिरफ्त में आए रॉक स्टार टॉमी सिंह के किरदार के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान दिया गया। शाहिद ने ट्विटर पर लिखा, उड़ता पंजाब दोहरी बाजी, टॉमी और मेरी जाने, मुबारक हो आलिया भट्ट। फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा बानोट की जिंदगी पर बनी फिल्म नीरजा को भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इस फिल्म में सोनम कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इनके साथ कई सारे और सिंगर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्म्स के लिए अवार्ड्स मिले। आईफा में सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी तो सुशांत सिंह राजपूत को। वो बेस्ट एक्टर की श्रेणी में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए अवार्ड पाने की उम्मीद लगाए थे, मगर उन्हें शाहिद कपूर ने मात दे दी। सुशांत ने बाद में आईफा का मजाक उड़ाते हुए ट्विटर पर लिखा, हा हा हा, जिसके बाद फैंस ने उन्हें ट्रोल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।